हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.6। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंटीग्रेशन के तीन मेथड होते हैं। पहला था सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। तो ये दोनों मेथड हम लोग सीख चुके हैं। 7.5 में हमने पार्शियल फ्रैक्शन मेथड के बारे में बताया है। ये 7.6 में ये जो क्वेश्चन है सारे के सारे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स पे बेस्ड है, यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये तीसरा मेथड है। तो इसको हम लोग सीखते हैं कैसे करना है। इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का इंटीग्रेशन करना होता है। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, जैसे मान लीजिए कि आपके पास u एक फंक्शन है, v इज अनदर फंक्शन, देन u v dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। u को फर्स्ट फंक्शन मानिए और v को सेकेंड फंक्शन मानिए। u को जब फर्स्ट फंक्शन मानेंगे तो u एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा और v dx यानी v का इंटीग्रेशन होगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, फिर से इंटीग्रेट कीजिए v को x के रेस्पेक्ट में और u का डेरिवेटिव निकालिए। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। समस्या ये आएगी कि फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन किसको मानेंगे, कभी कभी ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आपको एक फॉर्म है वो याद रखना है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन ये फॉर्म याद रखना है आइलेट। आइलेट क्या होता है, इसी सिक्वेंस में आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो भी है आपको मानना है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड मानने की जरूरत नहीं है, दो ही होगा, या तो फर्स्ट होगा या सेकेंड होगा। तो जो भी प्रोडक्ट में होगा इन्हीं दो का कॉम्बिनेशन से आपका फंक्शन बनेगा, दो का प्रोडक्ट होगा, इन्हीं दो फंक्शन का प्रोडक्ट होगा। आई का मतलब क्या है, इनवर्स फंक्शन, आई मीन्स इनवर्स फंक्शन। उसके बाद एल मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। ए उसके बाद है, ए का मतलब है अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन। और उसके बाद है टी का मतलब है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और उसके बाद सबसे लास्ट में है ई, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अब मान लीजिए कि आपके पास कोई लॉगरिथमिक फंक्शन है और अल्जेब्रिक फंक्शन है, यानी x log x है, तो दो फंक्शन होगा u और v। अब इसमें फर्स्ट कौन सा होगा, सेकेंड कौन सा होगा, तो इसका सीक्वेंस देख लीजिए, जो पहले है वो फर्स्ट होगा और जो बाद में है वो सेकेंड होगा। तो यहाँ पे लॉगरिथमिक पहले है तो ये फर्स्ट हो जाएगा, और ये अल्जेब्रिक बाद में है तो ये सेकेंड हो जाएगा। बस यही आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट कौन सा फंक्शन मानेंगे और सेकेंड कौन सा फंक्शन मानेंगे, और उसको इस फॉर्मूला में रख देंगे। यहाँ पे हम यू वी में यू को फर्स्ट माने हैं, वी को सेकेंड माने हैं, तो उसका इंटीग्रेशन होगा यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स अपॉन डी यू अपॉन डी एक्स, यानी यू का डेरिवेटिव डी एक्स के रिस्पेक्ट में। यानी पूरे को हम लोग क्या करेंगे, पहले डेरिवेटिव निकालेंगे फिर इसका इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। कैसे करते हैं अब हम देखते हैं इस एग्जांपल से। एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है ये, x sin x पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना है x sin x। तो आप देख लीजिए यहाँ पे फर्स्ट कौन सा होगा, सेकंड कौन सा होगा। तो x यानी कि अलजेब्रिक फंक्शन है वो फर्स्ट होगा और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सेकेंड फंक्शन होगा। तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड हो गया। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है u v dx, u के जगह में यहाँ पे क्या होगा x और v के जगह में होगा sin x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये फिर से आप sin x dx निकालिए और फिर डेरिवेटिव भी लिखिए यहाँ पे, किसका x का, dx अपॉन dx इंटू dx। तो आप देख सकेंगे कितना होगा sin x dx का इंटीग्रेशन, माइनस cos x होता है तो माइनस एक्स कॉस एक्स, और ये हो गया माइनस
इंटीग्रेशन साइन रहेगा, पहले अंदर का इंटीग्रेशन होगा तो फिर से माइनस कॉस एक्स होगा और dx dx x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा और dx रहेगा। तो देख सकते हैं कि इसमें कन्वर्ट हो गया cos x dx, माइनस को बाहर ले लीजिए तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस x cos x प्लस cos x का इंटीग्रेशन sin x और प्लस c लगा दीजिए, तो इस तरीके से इसका इंटीग्रेशन होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि यही फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन किसको मानेंगे। टू नंबर देखिए, यहाँ पे x साइन 3x dx इंटीग्रेशन बताना है, तो सबसे पहले डिसाइड करना है पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन। इसमें फर्स्ट क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक होगा और सेकेंड ट्रिगोनोमेट्रिक होगा। आई लेट आपको याद रखना है, आई लेट मतलब मैं लेट नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लेट हूँ, आई लेट मतलब मैं लेट नहीं हूँ। I मतलब इनवर्स है, L मतलब लॉगरिथमिक है और A मतलब अलजेब्रिक और T मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक। तो A क्या है, T से पहले है, तो A मतलब अलजेब्रिक को हम लोग क्या मानेंगे, फर्स्ट, और ट्रिगोनोमेट्रिक बाद में है तो उसको मानेंगे सेकेंड। तो ये जब डिसाइड हो गया तो फॉर्मूला क्या है, ये x को बाहर रखिए, साइन 3x dx इंटीग्रेशन होगा, माइनस ये इंटीग्रेशन साइन दीजिए और ब्रैकेट में फिर से इसी का इंटीग्रेशन कीजिए साइन 3x dx और ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, और जो फर्स्ट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव यहां पे लीजिए। अब ये इंटीग्रेशन है तो होल का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, dx के रिस्पेक्ट में होगा। तो सिंपल है, अब ये आपको मिल जाएगा x और साइन 3x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3x अपॉन 3 होगा, माइनस जितना यहाँ पे आया वही यहाँ पे आएगा साइन 3x dx का इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन साइन बराबर रहने दीजिए और ये ब्रैकेट में लिखिए माइनस साइन, साइन नहीं माइनस कॉस, माइनस कॉस 3x अपॉन 3 और dx अपॉन dx 1 हो जाएगा dx। माइनस को यहाँ मत रखिए, यहाँ रख दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर cos 3x dx का इंटीग्रेशन आप लिख दीजिए माइनस x cos 3x अपॉन 3 ये रहेगा, प्लस cos 3x का sin 3x अपॉन 3 एक पहले से और 3 एक बाद में आएगा, ये 3 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9 प्लस c, ये होगा। उसी तरह थर्ड नंबर आप देख लीजिए, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स डी एक्स, तो ये फर्स्ट होगा और ये सेकेंड होगा क्योंकि अलजेब्रिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन से पहले है आइलेट में, तो इसलिए फर्स्ट फंक्शन हो गया आपका एक्स स्क्वायर, सेकेंड फंक्शन हो गया ई एक्स ई टू दी पावर एक्स, तो ई टू दी पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कीजिए, माइनस ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए इंटीग्रेशन दे करके, जो यहाँ पे लिखे हैं वही लिखिए ई एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन देके, और इस ब्रैकेट को क्लोज कीजिए, जो आपका फर्स्ट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स, और किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे होल को, डी एक्स के रेस्पेक्ट में। तो आपको मिल जाएगा आप एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स माइनस ये ई टू दी पावर एक्स ही मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा ट्वाइस एक्स मिलेगा, ट्वाइस एक्स डी एक्स। तो टू को आप यहां से बाहर निकाल दीजिए। अब देखिए एक समस्या आ गई, समस्या क्या आ गई, यहां पे फिर से क्या हो गया एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स डी एक्स था, यहाँ पे भी क्या है एक्स ई टू दी पावर एक्स डी एक्स है, तो फिर से आपको आईलेट लगाना पड़ेगा, फिर से आपको दोबारा ये काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप कर दीजिए एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स माइनस टू, टू तो रहने दीजिए, ब्रैकेट स्टार्ट कर दीजिए बड़ा वाला, और उसके बाद फर्स्ट फंक्शन ये होगा, सेकेंड फंक्शन फिर से ये हो जाएगा, तो एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन स्टार्ट कीजिए, ब्रैकेट शुरू कीजिए, अंदर में फिर से एक बार इसको इंटीग्रेट कीजिए e टू दी पावर x dx को, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, उसके बाद dx अपॉन dx इंटू डी एक्स।
तो देखेंगे अब आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स माइनस टू, ये ब्रैकेट यहां से स्टार्ट है बड़ा वाला, उसको क्लोज कर दीजिए। तो ये हो गया आपको एक्स ई टू दी पावर एक्स माइनस, फिर से ये ई टू दी पावर एक्स होगा इसका, और ये डीएक्स, तो ई टू दी पावर एक्स डीएक्स को क्या मिलेगा आपको, ये माइनस ई एक्स ही मिलेगा प्लस सी, यही आपका आंसर होगा। फोर नंबर देखिए, पहले ही एग्जांपल में बता चुके थे कि ये अब फर्स्ट फंक्शन होगा और ये सेकंड फंक्शन होगा। आईलेट लॉगरिथमिक फंक्शन पहले होता है आईलेट में, और अल्जेब्रिक बाद में होता है, तो जो पहले आएगा वो फर्स्ट होगा, जो बाद में आएगा वो सेकेंड होगा। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, ये फर्स्ट फंक्शन को कॉन्स्टेंट ले लीजिए और इसको इंटीग्रेट कीजिए, एक्स डी एक्स माइनस, इंटीग्रेशन साइन शुरू कीजिए, ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, और ब्रैकेट के अंदर फिर से यहाँ पे जो इंटीग्रेशन ले रहे हैं उसी का इंटीग्रेशन होगा, और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद जो फर्स्ट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लिखिए, डी लॉग एक्स अपॉन डी एक्स, और ये होल को किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, डी एक्स के रेस्पेक्ट में। तो यहां से अब आपको मिल जाएगा ये लॉग एक्स होगा, एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस, ये इंटीग्रेशन रहेगा और अंदर में फिर से एक्स स्क्वायर अपॉन टू ही होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स डी एक्स, वन एक्स और वन एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स अपॉन टू बचेगा, एक्स अपॉन टू डी एक्स। फिर आप इसको लिख सकते हैं लॉग एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फोर प्लस सी, ये आपका आंसर होगा। उसी तरह फाइव नंबर देखिए, यहां भी क्या है, ये हो जाएगा फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकेंड। तो फर्स्ट को कांस्टेंट मानिए, लॉग टू एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स माइनस, इंटीग्रेशन शुरू कीजिए, ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, फिर से इंटीग्रेशन जो यहाँ पे है वही चीज यहाँ पे लिखिए, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, उसके बाद डी लॉग टू एक्स अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स, डेरिवेटिव वहां पे आएगा। ये देख लीजिए अब क्या हो जाएगा, लॉग टू एक्स तो रहेगा ही, एक्स डी एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस, इंटीग्रेशन रहेगा, फिर से ये एक्स स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा, और डी लॉग टू एक्स कितना हो जाएगा, वन डी लॉग टू एक्स का क्या हो जाएगा, टू अपॉन एक्स, टू अपॉन एक्स डी एक्स, फिर से एक्स एक्स कैंसिल होगा, कैंसिल हो गया, टू टू कैंसिल होगा, एक्स डी एक्स बचा, तो आपको मिल जाएगा लॉग टू एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी। यहाँ पे देखिए हड़बड़ी में गड़बड़ी होता है, ये चीज मैं बार बार बोल रहा हूँ, हड़बड़ी नहीं करना है, लेकिन ये तो एक्स स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा, और फिर लॉग टू एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन टू एक्स, और फिर टू एक्स का टू, तो ये चीज नहीं करना, ये टू बचा रहेगा यहाँ पे, यदि स्टेप वाइज करते तो गलती नहीं होती, तो यदि आप स्टेप स्किप करेंगे तो गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। तो टू और टू यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल, अब ये क्या होगा, फोर ही होगा, इसका और इसका आंसर दोनों का सेम ही है, देख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर अपॉन टू, फिर ये एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स अब बचेगा, एक्स को जाने दीजिए, और एक्स स्क्वायर अपॉन फोर, ये आपका आंसर होगा। ये सिक्स नंबर है, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकेंड फंक्शन, अब आपको याद हो जाना चाहिए, अब ये फर्स्ट फंक्शन है सेकेंड फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन को बाहर ले लीजिए, लॉग एक्स एक्स स्क्वायर आई लेट उल्टा तो नहीं कर रहा हूं मैं, उल्टा कर रहा हूं, आई लेट ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है, सही तो कर रहा हूं, आई लेट, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस, इंटीग्रेशन ऑफ डायरेक्ट लिख सकते हैं इसका इंटीग्रेशन,
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स और फिर डी लॉग एक्स अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स, फिर ये हो जाएगा आपका लॉग एक्स एक्स क्यूब अपॉन थ्री माइनस जो यहां पे आया वही यहां पे लिखिए एक्स क्यूब अपॉन थ्री और लॉग एक्स का कितना हो जाएगा वन अपॉन एक्स और डी एक्स रहेगा ये, तो एक्स और एक्स कैंसिल होगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, फिर से आप लॉग एक्स ये तो इतना ही रहेगा माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन थ्री, थ्री थ्री जा नाइन प्लस सी, ये होगा। ये क्वेश्चन देखिए सेवन नंबर, अब एक्स साइन इनवर्स एक्स ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और आईलेट में आई सबसे पहले होता है तो इसलिए फर्स्ट फंक्शन होगा और एक्स क्या हो जाएगा सेकेंड फंक्शन होगा, तो ये डिसाइड जब होगा तो साइन इनवर्स एक्स को बाहर रखिए और एक्स का इंटीग्रेशन कीजिए, माइनस इंटीग्रेशन शुरू कीजिए ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए जो यहाँ पे आया है उसी का फिर से इंटीग्रेशन कीजिए ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और फिर डी साइन इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स तो अभी साइन इनवर्स एक्स ही रहेगा, एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू होगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू हुआ तो ये भी एक्स स्क्वायर अपॉन टू ही होगा और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आपको याद होगा वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर होगा और ये डी एक्स रहेगा, टू को बाहर ले लीजिए तो साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन टू, ये अलग है ये अलग है इसको समझना है, ये टू को बाहर ले लीजिए और फिर एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये आ गया इस फॉर्म में। अब आपको क्या करना है सब्स्टिट्यूशन लगाना है इसको निकालने के लिए, तो इसको मान लेते हैं क्या है ये आई वन है तो आई वन हमारा हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, अब एक्स को क्या मानिए आप एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा मान लीजिए ये रूट ओवर है तो एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा जब मानेंगे तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा, चलिए अब इसका वैल्यू यहां पे रखते हैं एक्स स्क्वायर को हमने मान लिया है साइन, एक्स को मान लिया साइन थीटा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट क्या हो जाएगा ये कॉस थीटा और डी एक्स क्या है कॉस थीटा डी थीटा, ये कैंसल सिंपल ये फॉर्म में आ गया साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा जिसको आप लिख सकते हैं वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन टू डी थीटा और इसका इंटीग्रेशन आप लोग को पता है हाफ थीटा माइनस ये हो जाएगा कॉस टू थीटा का इंटीग्रेशन माइनस साइन टू थीटा नहीं साइन टू थीटा होता है साइन टू थीटा अपॉन टू, टू है यहाँ पे तो टू से डिवाइड करेंगे और एक टू पहले से है तो टू इंटू टू और प्लस सी, ये मिला आपको। अब थीटा का वैल्यू क्या होगा साइन इनवर्स एक्स यहाँ पे रख देंगे हाफ साइन इनवर्स एक्स, ये यहां से थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स माइनस ये साइन टू थीटा है तो टू साइन थीटा कॉस थीटा आप लोग लिख सकते हैं इसको साइन टू थीटा को हम लोग लिख देंगे साइन टू थीटा को क्या लिखेंगे टू और थीटा को फिर से साइन इनवर्स एक्स अपॉन फोर प्लस एक नंबर है ये अल्जेब्रिक और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक का कॉम्बिनेशन है तो यहाँ पे इनवर्स फर्स्ट हो जाता है और अल्जेब्रिक सेकेंड हो जाता है, तो फॉर्मूला क्या है टेन इनवर्स एक्स एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन स्टार्ट कीजिए ब्रैकेट शुरू कीजिए फिर से एक्स डी एक्स और ब्रैकेट बंद कर दीजिए, किसका डेरिवेटिव टेन इनवर्स फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिखिए और होल को फिर से इंटीग्रेट कीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर ये टेन इनवर्स एक्स आपको मिला और एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू,
माइनस इंटीग्रेशन रहने दीजिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू, और टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो अब आप थोड़ा सा मैनिपुलेशन करेंगे तो ये आसान हो जाएगा, टेन इनवर्स x और एक्स स्क्वायर टू को पहले लिख दीजिए कंफ्यूजन से बचने के लिए, तो टेन इनवर्स x माइनस ये हो जाएगा आपका, 2 को तो बाहर ले लीजिए, और ये है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। क्या करेंगे, मैनिपुलेशन करते हैं, 1 प्लस करते हैं और माइनस भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई शक नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 टेन इनवर्स x माइनस हाफ हो जाएगा, और ये फिर हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल होके 1 बचेगा dx माइनस, फिर से इंटीग्रेशन दीजिए 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब तो आप बता सकेंगे कि क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 टेन इनवर्स x माइनस हाफ एक्स, और ये हो जाएगा माइनस से यहाँ पे, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हाफ टेन इनवर्स x प्लस सी। टेन नंबर देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। नाइन नंबर हमने छोड़ दिया है क्योंकि वो एकदम सेवन के जैसा है, वो बहु उसी के जैसा है, आप लोग उसको ट्राई कर सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं। ये टेन नंबर कुछ अलग है तो इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। साइन इनवर्स x को यहाँ पे क्या मान लीजिए, टी मान लीजिए, तो साइन इनवर्स x को टी मान लेंगे तो x इज इक्वल टू साइन टी हो जाएगा, और इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा कॉस टी डी टी, डीएक्स इज इक्वल टू कॉस टी डी टी मिल गया। अब ये जो आपको मिला ये इंटीग्रल किसमें चेंज हो गया, ये टी स्क्वायर हो जाएगा, और फिर कॉस टी डी टी क्या बन, डीएक्स क्या बन जाएगा, कॉस टी डी टी बन गया। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, अल्जेब्रिक फंक्शन और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कॉस टी, तो ट्रिगोनोमेट्री इसमें फर्स्ट कौन सा होगा, सेकेंड कौन सा होगा, तो आईलेट याद कीजिए, आईलेट क्या होता है, आई एल ए टी ई, तो ट्रिगोनोमेट्रिक से पहले अल्जेब्रिक है, तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकेंड हो जाएगा, और ये जब ये डिसाइड हो गया तो टी स्क्वायर को कॉन्स्टेंट रखिए, कॉस टी का इंटीग्रेशन कीजिए, माइनस कीजिए, फिर बड़ा सा इंटीग्रेशन लगाइए और ब्रैकेट शुरू कर दीजिए, और जो टर्म यहाँ पे लिखे हैं फिर से इंटीग्रेट कीजिए इसको, कॉस टी डी टी, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, और फिर जो फर्स्ट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लिखिए डी टी स्क्वायर अपॉन डी टी, और होल को फिर से इंटीग्रेट कीजिए, तो आपको मिल जाएगा टी स्क्वायर कॉस टी डी टी माइनस साइन टी, सॉरी साइन टी, और जो यहाँ पे आया कॉस टी डी टी का वही फिर से यहाँ पे आएगा, तो ये साइन टी आ जाएगा, फिर से इंटीग्रेशन साइन रहेगा, और डी टी स्क्वायर अपॉन डी टी तो क्या हो जाएगा, टू टी डी टी, फिर साइन टी हो गया और टू टी हो गया, फिर से ये एक प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, टू को बाहर ले लीजिए, और ये टी साइन टी डी टी हो गया, टी साइन टी डी टी, फिर से ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन, अब फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन के अकॉर्डिंग इसको अब आप तोड़ दीजिए, फिर से I1 ले लीजिए इसको, तो I1 हो गया आपका t sin t, ये एकदम से पहला क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन यही था, तो आप t बाहर लीजिए, sin t का इंटीग्रेशन कीजिए sin t dt, माइनस फिर से इंटीग्रेशन कीजिए किसका, sin t dt का सेकेंड फंक्शन का, dx बार बार लिखा रहा है dt होगा, और फिर dt अपॉन dt इंटू dt, तो आपको मिल जाएगा sin t का इंटीग्रेशन, अब sin t का तो माइनस cos t होता है, तो t cos t माइनस, और माइनस cos t होगा तो प्लस कर देंगे cos t, इंटीग्रेशन साइन रहेगा dt, और cos t का फिर से sin c हो जाएगा, माइनस t cos t प्लस साइन टी, ये मिल गया। अब ये जो है आप यहाँ पे रख दीजिए तो कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर साइन टी
माइनस टू, ब्रैकेट में लिखिए माइनस टी कॉस टी प्लस साइन टी, प्लस सी कर दीजिए, यही आपका आंसर होगा।